दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा कि भारत ने बना ली बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन। तो आपके मन में एक उत्सुकता जरूर जगी होगी, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने यह कारनामा कर दिया और वह कौन सी ट्रेन है। दरअसल वह कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, वह वही कंपनी है जिसे हाल ही में स्टार्ट किया गया था, वंदे भारत एक्सप्रेस। उसी को अपग्रेड किया गया था और उसका अपग्रेड वर्जन लाया गया था, जहां बुलेट ट्रेन की स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर पकड़ने में 54 सेकंड लगता है। वहीं वंदे भारत की न्यू अपग्रेडेड वर्जन को ओनली 52 सेकंड में ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली है, जिससे यह कहा जाता है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी इसने पार कर दिया और महज 52 सेकंड में इसने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली। इसका हाल ही में ट्रायल किया गया है, जिसमें महज 5 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा दी गई। इससे पहले सबसे तेज अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस थी, जो 6 घंटे 20 सेकंड में यह कारनामा करती थी, और अब यह ट्रेन ओनली 5 घंटे में यह अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देती है। इस ट्रेन का कोई अलग से इंजन नहीं है, आपको बता दें कि इसके ऊपर ही इसका इंजन लगा हुआ है और हर डब्बे पर लगाया गया है, जो हर डब्बे को पुश करता है। इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, वहीं बुलेट ट्रेन की स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड में बुलेट ट्रेन बहुत आगे है, पर जल्दी स्पीड पाने के मामले में वंदे भारत एक्सप्रेस ने बुलेट को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि धीरे धीरे इसमें अपग्रेड वर्जन किया जा रहा है और भारत सरकार ने यह कहा है कि 4 महीने के अंदर इन ट्रेनों की संख्या लगभग 12 से 15 हो जाएंगी। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाते रहेंगे और बुलेट ट्रेन जो 2022 में भारत में आने वाली थी, उसे अब लॉकडाउन के चलते 5 साल बाद आने की संभावना जताई गई है और इसके पथ का निर्माण कार्य अभी भी चालू है। स्पीड के मामले में तो अभी यह बुलेट ट्रेन से काफ़ी पीछे है, पर आपको क्या भारतीय इंजीनियरों पर भरोसा है और आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन जितनी स्पीड की ट्रेन बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।